और ये आवाज लेकर चलेंगे मेरे भाई, हमारे जितेंद्र भाई, हमारे आदरणीय पूजनीय गुरु धर्मवीर के सुपुत्र। आइए बड़ी सुंदर सी आवाज लेकर चलेंगे भाई। तो कैसे रहने लगे सुदामा जी? अरे गहना घबराऊं, अरे गहना घबराऊं, कैसे द्वारका में जाऊं, किस तरह सुनाऊं अपने पर खुश होकर हमारे कैमरामैन आपी के क्षेत्र छतरी गांव से मनोज भाई 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं भाई का हार्दिक अभिनंदन। और 200 रुपए का दान मेरे ममिया ससुर के लड़के जावली गांव से भाई सूरज, यूपी पुलिस में है, 200 रुपए का दान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जल्दी से दरोगा बन जाओ। धर्मपाल नाम बताया है, उन्होंने अपने पोते के नाम से दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी की तरफ से। और 100 रुपए मेरे दिमाग से फिर नाम निकल गया। यशपाल बुकलन हमारे छोटे साले साहब ये है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर में कि भेंट के लिए कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए अपनी पत्नी से कह दिया कि वहां द्वारकापुरी के राजा है कृष्ण भगवान, बचपन का यार मेरा कुछ ना कुछ तो हक पड़ता है। और मिश्रानी से बात को सुनकर क्या करने लगती है,
रानी चतराई मांग के चावल कुछ आई उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और 100 रुपए पहले भी कई बार दे चुके हैं पैसे श्रीपाल नागर चरला भाई, जोरदार तालियां यार। और भैया माफी चाहूंगा, कुछ गलती होगी। भाई क्या करें, मेरा ट्रेन की जो ना भाई जुबान में ही दिक्कत है। देखो जी माफी चाहूंगा, पहली कही कि आपके सही कर रहा हूं। 100 रुपए श्रीपाल के साढ़े चरला नागर नागर मलूक नागर नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब। और भैया एक मेरे बहुत प्यारे मेहमान हैं भाई, पांचली गांव से मेरी बुआ की लड़की भी है। अरे रिश्तेदार वैसे भेंट तो मैं ही देता, तो 100 रुपया इन्होंने भी दिया भाई, जोरदार ताली भाई के लिए। एक गरीब की इतनी परीक्षा, वाह मेरे मालिक, इतनी गरीबी सुदामा जी के घर में कि जो पड़ोसन के घर से चावल लेकर उसे बांधने के लिए कपड़ा नहीं था। और मेहरबानों क्या होता है अगली बात में ये सुनते रागनी के माध्यम से।
बोल दो आप, आपके मन में से ऐसा है। मेरी बात सुनो जी चौसा, एक कहावत बहुत पुरानी है, एक कहावत बहुत पुरानी है, अब जाकर आगे भाई करण देव। हाँ चल भैया,